तो आज की इस वीडियो में हम मेटल पैलेट वाटर कलर पैलेट का अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। मेरा जो सबसे पहला पैलेट था वो ये था, बहुत ही सस्ता है, 110 रुपए का मैंने ख़रीदा था, एक लोकल स्टोर से ख़रीदा था। इसकी अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर जो मिक्सिंग एरियाज़ हैं यहाँ पर कलर के लिए वो काफ़ी बड़े हैं और बहुत सारे कलर आप यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 मिक्सिंग एरियाज़ हैं। लेकिन इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आप इसको कहीं पर भी आसानी से नहीं ले जा सकते, बहुत ही बड़ा है। और अगर ये कहीं इस पर प्रेशर डाल दिया तो बिल्कुल टूट जाएगा ये। उसके बाद मैंने ख़रीदा था ये कैमल का आर्टिस्ट ग्रेड वाटर कलर ख़रीदे थे, 18 शेड्स हैं इसमें, बहुत ही अच्छा है, सस्ता ही है। यहाँ पर 3 मिक्सिंग एरियाज़ हैं जो कि काफ़ी है। और वार्म कलर कूल कलर के लिए आप यहाँ पर डार्क और लाइट कलर के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। लेकिन मुझे ऐसे पैलेट की ज़रूरत थी जिसमें बहुत सारे कलर्स आ जाएं और उसका जो मिक्सिंग एरिया है वो भी अच्छा रहे, तो मैंने ये ख़रीदा। ये मैंने अमेजन से मंगवाया था, अच्छा खासा महंगा है। ये कुछ ऐसे खुलता है, फिर ये रहा हमारा, ये जो है मीडन का है, एम्प्टी वाटर कलर पैलेट है, इसमें 24 हाफ पेंस आते हैं, ठीक है। और मेड इन चाइना है इसलिए सस्ता है थोड़ा। इसको खोलते हैं, ये इसमें आता है, यहाँ पर मिडन की ब्रांडिंग देख सकते हैं आप, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी है, नीचे से ये ऐसा दिखता है। इसमें टोटल 4 वेल्स हैं मिक्सिंग के लिए और नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 वेल्स नीचे है। यहाँ पर एक थंब रिंग है, इसमें आप अंगूठा डाल के इस तरह से पकड़ सकते हैं इसको। अब इसको खोलते हैं, तो ये पहला जो है इसका मिक्सिंग एरिया है, फिर एक और बार खुलता है ये। यहाँ पर 24 हाफ पेंस हैं, आधे आधे पेंस, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेंस इधर, 12 पेंस, तो टोटल जो है 24 हो गए। लेकिन यहाँ पर इसमें एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आप एक और एक दो पेंस और एक्स्ट्रा रख सकते हैं मंगवा के, तो टोटल 26 पेंस हो जाएंगे। और यहाँ पर अच्छी खासी जगह है, तो आप अपना ब्रश यहाँ पर रख सकते हैं। और ये पेंस की जो हाफ पेंस की साइज़ है वो भी ठीक ठाक है यहाँ पर, तो आप कलर लिया, यहाँ मिक्स किया, पेंट किया, तो बहुत ही अच्छा खासा है ये। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 5 मिक्सिंग एरिया है और ये ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, ऐसे ही ऊपर रहता है, तो यहाँ पर आप मिक्स कर सकते हैं इसमें। और पूरा मेटल बॉडी है इसकी, जो कंपास होता वैसा ही है ये। यहाँ पर 4 मिक्सिंग एरिया है, तो एक वार्म के लिए, कूल के लिए, डार्क, लाइट, जैसे आपको मिक्स करना है वो कर सकते हैं। यहाँ अपने हिसाब से 24 कलर आप रख सकते हैं यहाँ पर, तो ये बहुत ही अच्छा पैलेट है। आप इसको कहीं पर भी अपने बैग में रख के ले जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा। और आप इसको इस तरह से पकड़ के पेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही हैंडी है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इसकी कीमत जो मुझे पड़ी वो पड़ी 999 रुपये की, तो मान सकते हैं 1000 रुपये की पड़ी मुझे इसकी कीमत। इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही इच्छा थी कि ये ख़रीदूँ मैं, तो आज मैंने ये ख़रीद लिया। और मैंने एक हाफ वाला जो है 12 पे हाफ पेंस का पैलेट भी मंगवाया है, तो उसकी जो अनबॉक्सिंग है वो मैं अगले वीडियो में करूँगा फिर कभी। उसमें भी ऐसे ही रहता है लेकिन वो छोटा है, तो उसकी भी हम रिव्यू करेंगे। और फिर अगले वीडियो में मैं इसमें कलर डाल के आपको दिखाऊंगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आगे भी मैं आपको वाटर कलर से रिलेटेड सारी टिप्स दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।